Assalamu alaikum. This is Mohammad Hashim here, and you guys are watching Vectors Past Paper Question Lectures. मेरा बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे? आज का जो हमारे लेक्चर है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है. इसके अंदर हम वेक्टर्स के ना सिर्फ पास पेपर के क्वेश्चंस को देखेंगे, स्पेशली नस साइड के क्वेश्चंस को, यूटी लॉर साइड के क्वेश्चंस को, एनईडी के, आईबीए के एंड सो ऑन, बल्कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करवाने वाला हूँ जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने कवर नहीं करवाया था. और वो टॉपिक होता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का. सबसे पहले नंबर के ऊपर एक ऐसा टॉपिक जो कि यूजुअली पास पेपर के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, इस टॉपिक का नाम ही क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस. ये टॉपिक, इस टॉपिक के एमसीक्यूज बहुत पेपर में पूछे जा रहे होते हैं, एंड इस टॉपिक का खास किस्म का जो है ना अफेयर होता है एग्जामिनर के साथ. तो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का. अच्छा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का जो पर्टिकुलर टॉपिक है बड़े मजे का है. डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको लेट सपोज कंसीडर कि आपके पास एक वेक्टर आर है, एक वेक्टर आर है, और उस वेक्टर आर के पास जाहिर सी बात भी है आई कंपोनेंट भी होगा, उसके पास जे कंपोनेंट भी होगा, और उसके पास के कंपोनेंट भी होगा. तो मैं उसको रिप्रेजेंट करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के साथ मेरा बेटा. तो अगर मैं इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ले लूँ, इस वेक्टर आर का क्या ले लूँ, मैग्नीट्यूड ले लूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा. मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी और सिखाई भी है, कभी भी आप किसी वेक्टर का मेरा बेटा अगर मैग्नीट्यूड लेते हो तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हो, सिंपल आई कंपोनेंट, सिंपल जे कंपोनेंट एंड सिंपल के कंपोनेंट, इन सब का स्क्वायर करने के ऊपर आपके पास मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाता है. तो भाई मैंने अभी तक आपसे क्या बात करी, कभी भी क्वेश्चन आपके पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का है या फिर आपके पास क्वेश्चन आए डायरेक्शन रेशियोज का आ जाए, ये टॉपिक एक और नाम से ही पेपर में बहुत जाना जाता है, या तो क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का, या फिर एक और जो इसका क्वेश्चन होता है वो डायरेक्शन रेशियोज का भी होता है. किसका होता है मेरा बेटा, डायरेक्शन रेशियोज का भी होता है. तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बड़ा मजे का टॉपिक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज, या फिर एल एम एन टॉपिक भी कहलाता है. बट वो क्या चीज होती है भी समझेंगे. सबसे पहले नंबर के ऊपर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, लेट सपोज आपके पास कोई मासूम सा वेक्टर मौजूद है. क्या मौजूद है, मासूम सा एक वेक्टर आर मौजूद है. तो भाई जाहिर सी बात है, लेट सपोज कि उसके पास आई कंपोनेंट भी है, जे भी है, के भी है. तो अगर मुझे उस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर. तो इस बात को अगर मैं आपको डिफाइंड कर दूं, लेट सपोज एक ग्राफ के ऊपर कि हमारे पास सिंपल तरीके से कोई वेक्टर्स मौजूद है, लेट सपोज इस तरीके से हमारे पास क्या मौजूद है, तीन तरह के वेक्टर्स हैं, उनके एंगल्स भी होंगे. तो ये लेट सपोज अगर मेरे पास x है, ये वाली चीज अगर मेरे पास क्या है, y है, और यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ. तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से ये लेट सपोज मेरे पास सिंपल ये x एक्सिस आ गया, y एक्सिस आ गया, ये मेरे पास तीन वेक्टर्स आ गए. तो यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल को मैंने अल्फा कह दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल को मैंने बीटा कह दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल को मैंने गामा कह दिया, और ये जेड एक्सिस है. अच्छा, तो हमने क्या कहा कि भाई देखो हमारे पास लेट सपोज ये एक्स एक्सिस आ रहा है, ये वाई एक्सिस आ रहा है, और जेड एक्सिस आ रहा है, और ये सिंपल तरीके से वेक्टर आर आ रहा है. क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से वेक्टर आर आ रहा है. तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आई कंपोनेंट के लिए होगा, अल्फा के लिए होगा. y एक्सिस के ऊपर जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो किसके लिए होगा, बीटा के लिए होगा. y एक्सिस के ऊपर जो एंगल फॉर्म होगा इस r से वो किसके लिए होता है, बीटा के लिए होता है. और जो z एक्सिस के ऊपर एंगल फॉर्म होता है वो किसके लिए होता है, गामा के लिए होता है. ये कुछ बुनियादी बातें जो आई गेस हम तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है, फिजिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है. अच्छा, तो भाई देखो अब अगर मेरे पास मुझसे कहा जाता है बताओ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होगी, या ये कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे, तो भाई उसके कुछ फॉर्मुलाज होते हैं, और फॉर्मुलाज बहुत ही ज्यादा मजे के हैं. क्या फॉर्मुलाज है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि मेरा बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू हमेशा बराबर होती है एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास जो भी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा. यानी कि कभी भी आपको कॉस अल्फा निकालना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालनी है अगर अल्फा के एंगल के लिए, अगर आपको अल्फा के एंगल एंगल के लिए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालनी है तो क्या होगा, कॉस अल्फा. जो भी आई का कंपोनेंट है उसको डिवाइड करवा दीजिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ, जो भी आई कंपोनेंट है उसको डिवाइड करवा दीजिए मैग्नीट्यूड आर के साथ. इस वाले जुमले को कहा जाता है एल, इस जुमले को क्या कहा जाता है, एल. लेट सपोज आपको बीटा की मैग्नीट्यूड, बीटा का आपको एंगल निकालना है, तो बीटा बेस अगर एंगल निकालना है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस बीटा. तो बीटा कौन सा है, सेकंड वाला. तो मेरा बेटा वो किसका कंपोनेंट लिया जाएगा, वाई कंपोनेंट. तो वाई कंपोनेंट को अगर आप किससे डिवाइड करवा दो, वाई कंपोनेंट को अगर आप डिवाइड करवा दो मैग्नीट्यूड ऑफ आर के साथ. तो ये जो लेंथ यहाँ से आपको मिलती है, रेशियो आपको मिलता है, इसका रेशियो का नाम लिखा जाता है एम रेशियो रखा जाता है. क्या कहा जाता है, एम रेशियो कहा जाता है. इसी तरीके से अगर आपके पास आपसे कहा जाता है कि अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे गामा, गामा के लिए आपको काम करना है, तो मेरा बेटा कॉस गामा, कॉस गामा कौन सा वाला होगा, जाहिर सी बात है लास्ट वाले कंपोनेंट का अगर रेशियो या एंगल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, कॉस गामा इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय
मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी कि जो भी जेड कंपोनेंट है उसको जो भी आपको ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है उससे डिवाइड करवा दीजिए। तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलता है इसको कहते हैं एन रेशियो। तो ये बेसिकली एल एम और एन रेशियो की कहानी होती है। तभी इन तीनों फॉर्मुलास का एक नाम क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन होता है, या फिर डायरेक्शन रेशियोज भी इनको कहते हैं। ये एल एम और एन यहाँ पे क्या होते हैं, रेशियोज कंसिडर किए जा रहे होते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या होती है मेरा बेटा, प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी पेपर में बहुत पूछी जाती है, देन एमसीक्यूज, कि आपके पास जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा बराबर होता है 1 के। या फिर एक और तरीके से प्रॉपर्टी ऐसे भी पूछी जाती है कि देखो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, एल, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या बन जाएगा एल स्क्वायर। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, कॉस बीटा की वैल्यू एम है, तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एम स्क्वायर। कॉस गामा की वैल्यू एन है, तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी एन स्क्वायर। तो इस तरीके से भी एमसीक्यूज पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तीन रेशियोज का अगर सम कर दूं तो आंसर क्या आएगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, रिमेंबर दिस थिंग। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, जल्दी से क्विक रिवीजन में करवाऊं बेटा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स या डायरेक्शन रेशियो का छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेट सपोज आपके पास एक वेक्टर आर मौजूद है और उस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा भी फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज का, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का, बड़ा ही सिंपल सा बड़ा ही मासूम सा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला ये है कि आपके पास कभी भी आपको अगर डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकालनी और ये डायरेक्शन रेशियोज निकाल ले तो उनके फॉर्मूलास क्या होते हैं भाई, जिस एंगल के ऊपर भी निकाल लें उसी का कंपोनेंट ऊपर आएगा, नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि जिस वेक्टर के लिए भी आपको काम करना है उसी का कंपोनेंट आएगा। फॉर एग्जांपल आपको अल्फा के लिए काम करना है तो कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आर, ये बराबर होता है एल के। लेट्स सपोज कॉस बीटा के लिए काम करना है तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बीटा इज इक्वल टू उसी का कंपोनेंट वाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आर, और ये बराबर होता है एम रेशियो के। कॉस गामा के लिए काम करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस गामा इज इक्वल टू उसी का कंपोनेंट इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड। अभी इसके क्वेश्चन भी समझेंगे मगर इसके ऊपर कुछ और बातें भी देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी मैंने देन आपसे डिस्कस करी, प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि भाई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा बराबर होते हैं 1 के। इन अदर वर्ड्स हम ये बात कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम ये बात कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास कोसाइंस के डायरेक्शन होती है उन सबका सम, सम ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के। इसी तरीके से हम ये बात भी कह सकते हैं the square of the ratios, the square of the ratios is always equal to 1 of in the direction ratios। Achha, to yahan se hamare paas jo basically formula generate ho raha hota hai ki agar aap gaur se dekhiye, hamare paas original vector r kya tha, hamare paas original vector r tha r is equal to x i plus ka y j plus ka z k। Clear hai mera beta? To agar main isko is pattern ke upar likhna chahu, agar main isko is tarike se likhna chahu to main ek aur tarike se apne vector r ko यूनिट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं s x डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड प्लस का y डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड इनटू i इनटू j एंड ऑब्वियसली k डिवाइडेड बाय z डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड इनटू k। यानी कि भाई देखो बेसिकली x कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, y कंपोनेंट के लिए वैल्यू क्या हमारे पास ये आ रही है, z कंपोनेंट के लिए वैल्यू क्या ये आ रही है। तो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तरीके से यूनिट वेक्टर बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप वर्ड करो तो हमने अभी कुछ भी नहीं करा, हमने एक वेक्टर को बेसिकली उसके ओरिजिनल वेक्टर से डिवाइड करवा रहे हैं। क्लियर है मेरा बेटा? तो आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मुझसे कहा जाता है, मुझसे क्या कहा जाता है, मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे तमाम चीजें। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है लेट सपोज, अल्लाह भला करे ये क्वेश्चन नस साइड के ऊपर पूछा गया, आर इज इक्वल टू आई प्लस का टू जे और आगे कह रहे हैं प्लस का थ्री के, आई प्लस का टू जे प्लस का थ्री के। क्वेश्चन क्या है, आर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस का थ्री के, कहा जाता है बताओ डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या होगी, क्या कहा जाता है बताओ डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा आ गया, ये क्वेश्चन बहुत फेवर में आते हैं कि आपको एक सिंपल क्वेश्चन के मैंने आर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, आपसे कहा जाता है बताओ डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या होगी। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, सबसे पहले जो भी आपको वेक्टर गिवन है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकाल लोगे भाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल तरीके से, आई कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, देन 2 कंपोनेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर लीजिए और 3 कंपोनेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो व्हाट इट विल बिकम 9 + 4 और एक 9 + 5, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 14 आ गया। अब देखो अगर आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकालनी है, क्या निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। लेट सपोज आपसे कॉस अल्फा मांगा हुआ है, तो कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया,
क्या फॉर्मूला होगा, एक्स डिवाइडेड बाय, क्या फॉर्मूला होगा, एक्स डिवाइडेड बाय, क्या फॉर्मूला होगा, एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो भाई देखो एक्स क्या होता है, एक्स होता है आई कंपोनेंट वाला, एक्स क्या होता है आई कंपोनेंट वाला, तो यहाँ पे आई कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, वन डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट 14, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1/√15, क्या आ गई 1/√15, क्लियर है मेरा बेटा। लेट सपोज कॉस बीटा के लिए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालनी है, किसके लिए निकालनी है, कॉस बीटा के लिए, तो भाई देखो कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। वाई क्या होता है मेरा बेटा, वाई होता है आपके पास जे कंपोनेंट, वाई क्या होता है आपके पास जे कंपोनेंट, सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल तरीके से मेरा बेटा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो वाई की जगह पे क्या कर देंगे, वाई क्या होता है हमारे पास जे कंपोनेंट, टू आ जाएगा, और नीचे आर क्या आ रहा है मेरे पास, आर क्या मैग्नीट्यूड क्या आया 14 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 का 14, सिंपल तरीके से, यानी कि कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में, 2/√14, क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 2/√15। इसी तरीके से आप लोग क्या कर लेंगे, कॉस जेड की वैल्यू को फाइंड कर लोगे, तो कॉस जेड क्या होगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय कॉस जेड का मतलब यानी कि कॉस गामा, भाई कॉस गामा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सिंपल तरीके से व्हाट इट विल बिकम जेड क्या होता है के कंपोनेंट, तो 3/ मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या है मेरे पास 14, तो कॉस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बच्चा, ये सिंपल तरीके से आ जाएगी 3/√14, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है मेरा बेटा, इसमें कोई मसले की बात, तो ये आपने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकाल ली। लेट सपोज यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ जाए, थोड़ा सा चेंज करके आ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट होकर आ जाए, एक और तरीके से पूछ सकता है, अगर वो आपसे पूछ ले बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इनके अंदर, क्या पूछ ले बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, यानी कि एल एम और एन के लिए पूछ ले, तो भाई देखो ये जो आपके पास आंसर आया है बेसिकली किसके बराबर है, एल के बराबर भी है, ये जो आपके पास आंसर आया है किसके बराबर है, एम के बराबर भी है, ये आपके पास जो आंसर आया किसके बराबर है, एन के बराबर भी है, तो अगर आपसे डायरेक्शन रेशियोज पूछ ले तो बेटा यही चीज तो एल एम और एन के बराबर होती है, तो यहाँ से सिंपल तरीके से आपके पास एल एम और एन की वैल्यू भी आ सकती है, क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात, किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं, अगर किसी बच्चे को इसमें कोई मसला है तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप एक क्वेश्चन खुद से बैठ के पहले सॉल्व कर लिए, आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है माइनस का 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, इस क्वेश्चन को जरा हाथ से सॉल्व करिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों फाइंड करिए, मुझे बताइए समझ में आती है बात आपको नहीं आती, जल्दी से। आई होप पहला टॉपिक हमारी आज की क्लास का क्लियर होगा, एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ये टॉपिक बिल्कुल लास्ट टॉपिक थोड़ा मिलता जुलता है मगर बड़े मजे का टॉपिक है, और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने अभी तक अपने स्टूडेंट को टॉपिक भी कवर नहीं करवाया हुआ था, ये टॉपिक भी पास पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके क्वेश्चंस इतने मजे मजे के पास पेपर में आते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे मेरा बेटा। इस टॉपिक का क्वेश्चन मैं आपको लिख के पहले बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पास पेपर का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो कि नस साइड पे बेतहाशा आपको मिलेगा, यूटी लॉर साइड पे बेतहाशा मिलेगा, फास्ट साइड एनईटी साइड पे बेतहाशा मिलेगा। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड दी स्केलर, फाइंड दी स्केलर एक्स y, z, find the scalar x, y, z such that, find the scalar x, y, z such that या such as कह लीजिए, चलो such that ही लिख देते हैं, original question आया था, such that x i plus का 2j plus का y 3i plus का 4j और आगे क्या देता है, आगे आपको दे रहे 7i plus का 9j, ये question आपको given है, आपसे कह रहे हैं कि बताओ स्केलर फॉर्म की वैल्यू क्या होगी, यानी कि स्केलर टर्म्स की वैल्यूज पूछा, यानी कि वेक्टर्स गिवन है आपको, आपसे कह रहे हैं बताओ जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड उनकी वैल्यूज बताओ, तो तुम्हारी बात हम तस्लीम करें। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, तो मैंने भी आपको जरा निस्बतन आसान क्वेश्चन कराया, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, उसके अंदर आपको जेड भी मालूम करना होगा, आपके पास इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखो तो उसके अंदर खाली x और y गिवन है, z नहीं गिवन, मगर मैं ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा अभी जहां पे x भी गिवन होगा, y भी गिवन होगा, z भी होगा, तीनों फाइंड करने होंगे, तो क्वेश्चन बहुत ही मजे का, बहुत ही प्यारा सा, क्या कहता है दोबारा समझ लीजिए, आपको ये स्टेटमेंट पूरी क्वेश्चन की गिवन है, ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है ना बेटा, एक क्वेश्चन की है, आपको ये स्टेटमेंट देके कह रहा है कि बताओ इसके अंदर से एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। अच्छा भाई कैसे फाइंड करेंगे स्केलर फॉर्म के अंदर एक्स वाई और जेड की वैल्यू, आपने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करो, और वो छोटा सा काम क्या करना है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे रहने दो, राइट हैंड साइड राइट पे रहने दो, और कंपैरिजन करवाओगे। कंपैरिजन कैसे करवाओगे, आई कंपोनेंट का आई के साथ, जे कंपोनेंट का जे के साथ, तो पहले आपको इस साइड के ऊपर
आई कंपोनेंट एक साथ करने पड़ेंगे, जे कंपोनेंट एक साथ करने पड़ेंगे ताकि कंपैरिजन करवा सके। जिस तरह मैट्रिसेस के अंदर आप इक्वल टू के आमने सामने वाले टर्म्स का कंपैरिजन करवाते हो, वैसे ही इक्वेशंस में भी करवाते हैं, वैसे ही हम लोग वेक्टर्स में भी करवाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं लिटरली बहुत हलवा क्वेश्चंस होते हैं, आपके लिए बड़े इजी क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कभी भी ये स्केलर वाला क्वेश्चन आ जाए या इससे मिलते जुलती इसकी खानदान की एक और टाइप होती है रिजॉल्व द वेक्टर इन डायरेक्शंस। तो रिजॉल्व द वेक्टर इन डायरेक्शन वाली टाइप की फनकारी भी इसी तरह की होती है कि आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने जो है ना i कंपोनेंट्स को एक साइड पे कर दो, j कंपोनेंट्स को एक साइड पे कर दो, और फिर इक्वल टू के दूसरी तरफ जो भी आपके पास i और j कंपोनेंट्स हैं उनसे कंपैरिजन करवा के इक्वेशंस बनाओ, उनसे वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। बहुत ही आसान सा काम है। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा यहाँ पे सबसे पहले मैं इस जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है इसके अंदर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा एक्स आई प्लस का 2xj, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3yi प्लस का 4yj इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद है 7i प्लस का 9j। इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने दो। i वाले कंपोनेंट्स को एक साथ कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस का 3y एक साथ आ गया, i कॉमन ले लिया। j वाले कंपोनेंट्स एक साथ कर दिए तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 4y, इनमें से मैंने क्या करा j को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या आ गया 7i प्लस का 9j। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से i कंपोनेंट्स को एक साथ कर देना है, j कंपोनेंट्स को एक साथ कर देना है, ताकि आप इक्वल टू के दूसरी तरफ, क्योंकि आप बेसिकली आपको ये एक एक्सप्रेशन गिवन है तो आप यहां से कैसे सॉल्व करोगे, आपको बेसिकली यहां से x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए जाहिर सी बात है आपको i और j रिमूव करने पड़ेंगे, उसमें कंपैरिजन करवा रहे हैं। तो मेरा बेटा इक्वल टू के आमने सामने जो दो i मौजूद है, इक्वल टू के आमने सामने जो दो i मौजूद है बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। जिस तरह इक्वेशंस के अंदर या जिस तरह मैट्रिसेस के अंदर अगर इक्वल टू के आमने सामने दो एडजेसेंट मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनकी आपस की आमने सामने वाली जो रोज और कॉलम की वैल्यूज होती है क्या हो जाती है, एक दूसरे के बराबर आ जाती है। वैसे ही वेक्टर्स के अंदर होता है कि आई आमने सामने वाले आई और जो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। यहां से आपको पहली इक्वेशन मिल गई। इस तरीके से इस टर्म के सामने टर्म आ रही है, क्या आ रही है, ये आ रही है 2x प्लस का 4y इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है 9। ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के फर्दर दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भैया आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जो भी आपकी x और y की वैल्यूज आएंगी उनको इस x और y में पुट करवा दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपकी x और y की जो वैल्यूज गिवन होंगी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के। बट अगर आप थोड़े से और स्मार्ट हो तो और क्या करोगे भाई, आपको ऑप्शंस के अंदर चार वैल्यूज गिवन होंगी x और y की, आपको ऑप्शंस के अंदर चार वैल्यूज गिवन होंगी x और y की। सिंपल तरीके से भाई वहां से आंसर निकाल लो। कैसे, बारी बारी उन्हें x और y को प्रूव कर दो, किसी भी इक्वेशन में उठा के डाल दो, जिस इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई हो जाए वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल इसका जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसके अंदर जो ऑप्शंस की वैल्यू गिवन है आपको वही बता देता हूं। एक वैल्यू गिवन थी -1.5, एक वैल्यू गिवन है 2.4, एक वैल्यू गिवन थी नेगेटिव का 0.5.3, एक वैल्यू गिवन थी आपको नेगेटिव का 1/2, 5/2, और एक वैल्यू इसको थोड़ा चेंज कर ले इस तरह गिवन थी कि लेट्स सपोज। एक तरीका तो ये जो मम्मी डैडी बच्चे करेंगे बैठ के, मासूम बच्चे करेंगे कि भाई सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। मगर मेरा बेटा खुदा रहा वो काम मत करिएगा, आपके पास टाइम की कमी है, टाइम की जब कमी है जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे जल्दी जल्दी मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से क्या करोगे, पॉइंट्स को बारी बारी किसी भी इक्वेशन पुट करवा दो। भाई देखो अगर मैं पहली इक्वेशन के पॉइंट्स पुट करवा दूं क्या बन जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 5 से 15, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरी देख लीजिए, दूसरी क्या हो जाएगी 2.3.5, तो 2.5/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5 15/2, इसको भी प्रूव नहीं करेगा, दूसरा पॉइंट भी फेल हो गया। तीसरा देख लीजिए, माइनस का 1/2 प्लस का 3 3 9, माइनस का 1/2 प्लस का 9, नहीं तीसरा पॉइंट भी फेल हो गया। चौथा पॉइंट बचा इसको देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 5 3 15 15/2, तो माइनस का 1 प्लस का 15 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 15 14/2 क्या होता है, 7 होता है। तो ऑब्वियसली जो लास्ट पॉइंट है इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, x और y की क्या वैल्यूज आ रही है, आपका फोर्थ आंसर आपकी करेक्ट वैल्यूज को दे रहा है। क्लियर है मेरा बेटा? ये क्वेश्चन पेपर के रिस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्केलर्स वाला, ये रिजॉल्विंग इनटू डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है। जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है मेरा बच्चा, क्लियर है, कोई मसले की बात। अगर कोई मसले की बात है तो एक क्वेश्चन मैं दूंगा उसको सॉल्व करने की, आप लोग ट्राई करेंगे जल्दी से। तो वो क्वेश्चन भी अगेन नेक्स्ट साइड पे आ चुका है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने की ट्राई करनी है। जस्ट ट्राई करिए, देन मुझे बताइए किस तरीके से आप आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन मेन क्वेश्चन आपका वही है, मेन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्केलर एक्स वाई एंड जेड, और आपको जो इस पेपर के अंदर जो वो आई थी टर्म्स आई थी वो आई थी एक्स, एक्सप्रेशन गिवन थी एक्स जे प्लस के, आगे कह रहा था वाई आई माइनस का जे, और आगे कह रहा था माइनस का जेड आई। सिंपल सा, इक्वल टू के बाद मौजूद था आई
प्लस का 2j प्लस का 3k, ये सिंपल सी एक्सप्रेशन आई थी। और आपसे क्वेश्चन का ओरिजिनली गिवन था x, y, z की वैल्यू को फाइंड करके बताइए क्या आंसर आ रहा होगा। तो जल्दी से कोशिश करो, मैंने भी जो कुछ समझाया उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, वीडियो को स्टॉप करो अगर रिकॉर्डिंग को देख रहे हो, नहीं तो लाइव क्लास के अंदर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से क्या काम करना है आप लोगों ने मेरा बेटा, कोशिश करनी है सॉल्व करने की x, y और z की वैल्यू। मैंने क्या बताया आपको सिंपल इस क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है स्केलर फॉर्म को x, y और z को। मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई, मैंने आपसे कहा कि भाई देखो तमाम ब्रैकेट्स को लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लाई करवा दो और फिर सिंपल x की फॉर्म में, i की फॉर्म में, j की फॉर्म में और k की फॉर्म में रखो, ताकि ताकि आप उसको दूसरी साइड से कंपेयर करवा सको, कंपेयर करवा के इक्वेशंस बनाओ और चुटकी बजा के आपके आंसर्स आने चाहिए। दो बच्चों ने आंसर मुझे बता दिए तो मैं आप बता दूं सॉल्व कैसे करना है। भाई बहुत ही आसान तरीका है, क्या मसले की बात है, मैंने क्या कहा सबसे पहले इनको आप एक्सपेंड करवा दो, एक्सपेंड करवा दोगे तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स जे प्लस का एक्स के, फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई आई माइनस का वाई जे माइनस का जेड आई, इक्वल टू के बाद क्या है, इक्वल टू के बाद है आई प्लस का टू जे प्लस का थ्री के। मैंने आपसे कहा आई वाले कंपोनेंट्स एक साइड पे कर दो, जे वाले कंपोनेंट एक साइड पे कर दो, के वाले कंपोनेंट एक साइड पे कर दो ताकि कंपेरिजन आसान हो जाए। तो भाई देखो आई वाले कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे i वाले कंपोनेंट ये है और एक ये है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस का z और i को मैंने कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया, तो ये दोनों मैंने ले लिए। j वाले कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक ये आ रहा है मासूम सा और एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है एक्स जे माइनस का वाई जे, तो प्लस के सिंबल के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स माइनस का जे, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, एक्स और माइनस का जे, सॉरी एक्स माइनस का वाई, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, कौन कौन से कंपोनेंट जे वाले हैं, एक्स जे और वाई जे, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से आ जाएगा एक्स माइनस का वाई और बाहर जे आ जाएगा, और के वाला कंपोनेंट मासूम सा एक ही है, बिल्कुल मासूम सा बेचारा एक ही है, और इक्वल टू के इस तरफ क्या था, आई प्लस का टू जे प्लस का थ्री के। मैंने क्या तरीका बताया कैसे सॉल्व करोगे, एक्स और जेड की वैल्यू निकालने के लिए एक्सप्रेशन गिवन होगी, लेफ्ट हैंड साइड जो भी बड़ी बड़ी साइड हो जहां पे आपको सॉल्व नहीं गिवन, सिंप्लीफाइड टर्म्स नहीं गिवन, तो वहां पे सिंप्लीफाई करवा लोगे, आई वाले टर्म्स एक साइड पे कर दी, जे वाले टर्म्स एक साइड पे कर दी, के वाले टर्म्स एक साइड पे कर दी, और वहां से फिर आपने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया आई और जे और पी को, उससे फायदा क्या होगा, अब आप इक्वल टू के इस तरफ जो आई वाली टर्म है और इक्वल टू के इस तरफ वाली आपस में कंपेयर करवा दोगे, तो आपके पास पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वन, सही है। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, जे वाले कंपोनेंट्स को जे वाले कंपोनेंट से कंपेयर करवा दोगे तो ये आ जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, और तीसरी एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी मेरा बेटा, ये आ जाएगी आपके पास फाइनली एक्स इक्वल टू के वाले कंपोनेंट्स को के से कंपेयर करवा दोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई, सही है ना मेरा बेटा। तो तीसरी इक्वेशन ने आपको डायरेक्टली आंसर दे दिया एक्स का, इसको उठा के इसमें डाल दो तो यहां से आपका वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, थ्री माइनस का वाई इक्वल टू टू, माइनस के वाई को वहां भिजवाया प्लस का टू यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थ्री माइनस का टू, तीन में से दो निकाला एक आ गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, तो एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, इस वाई को उठा के पहली क्वेश्चन में डाल दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन माइनस का जेड इक्वल टू वन, माइनस के जेड को वहां भेजो प्लस के वन को वहां भेजो, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस का वन इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से जीरो आ जाएगी, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो आपके तीनों वेक्टर्स का स्केलर आंसर क्या आ गया, ये आ गया थ्री कॉमा वन कॉमा जीरो, क्या आंसर आ गया, थ्री कॉमा वन कॉमा जीरो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल एक्स वाई जेड मालूम करना था, सिंपल तरीके से आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, तमाम बच्चे जल्दी से रिप्लाई कर दो, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, भाई मासूम सा क्वेश्चन है, क्लियर है मेरा बेटा। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि मेजोरिटी आवाम ऐसे टॉपिक्स को छोड़ के जा रही होती है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे। नस साइड के ऊपर जो एक आध क्वेश्चन आता है वेक्टर से, यूजुअली वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है वो, और एनईटी साइड पे भी ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस वाले स्केलर वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे होते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ यूटी लॉर साइड के ऊपर, और इसका एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, उसको घर पर बैठ के सॉल्व इजिली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े मजे का है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर फॉलो होगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन आपको एनईटी साइड पे भी देखेगा, कुछ एयर्स के अंदर एनईटी में भी पूछा गया, ऑल्दो एनईटी का इतना मुश्किल डिफिकल्ट लेवल नहीं देता, एनईटी एनईटी बहुत आसान लेवल के ऊपर क्वेश्चन देता है, बट ये क्वेश्चन एनईटी साइड पे भी पूछा गया क्योंकि सिंध बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, ये सिंध बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, पर हमारी मेजोरिटी अब हम वेक्टर्स को पढ़ाती नहीं है सिंध बोर्ड के अंदर, इसलिए बच्चों को मालूम ही नहीं होता, या फिर ये टॉपिक नस साइड पे बहुत आता है, यूटी लॉ साइड पे बहुत आता है, फास्ट साइड पे बहुत आता है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मुझसे कहता है रिजोल्व दी वेक्टर, क्वेश्चन लिखिएगा काइंडली, क्वेश्चन कहता है रिजोल्व दी वेक्टर ए, रिजोल्व दी वेक्टर ए इन दी डायरेक्शन ऑफ, p1 comma p2 comma p3,
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, क्या कहता है, रिजॉल्व द वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ पी1 कॉमा पी2 कॉमा पी3। आपको वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, 9.4। वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है 9.4। देन आपको पी1 वेक्टर की वैल्यू गिवन है क्या, 2, -3। देन आपको पी3 वेक्टर की वैल्यू गिवन है, सॉरी पी2 वेक्टर की, ये क्या गिवन है मेरा बेटा, ये गिवन है 1, +2। अब ये क्वेश्चन सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं बताओ आंसर क्या होगा, क्या कह रहे हैं बताओ आंसर क्या होगा। अब भाई क्वेश्चन देख के डर क्यों रहे हो, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन अभी समझाया मैंने बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है ना उसने अंग्रेजी को मुश्किल कर दिया, थोड़ा सा उसने जो है ना मेकअप अच्छा करवा दिया, तो बच्चा समझते पता नहीं चाहिए जो है ना उसकी बिल्कुल ही बाहर का क्वेश्चन आ गया। अबे नहीं मेरा बेटा, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कहता है रिजॉल्व द वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ पी1 पी2 पी3, यानी कि तुम्हें वेक्टर ए को पी1 पी2 या पी3 के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। पी1 पी2 पी3 ऑब्वियसली वेक्टर्स हैं, उसने आपको वेक्टर ए की वैल्यू दे दी, उसने आपको वेक्टर पी1 की वैल्यू दे दी, उसने आपको वेक्टर पी2 की वैल्यू दे दी। अब पी3 यहां पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या, पी1 पी2 में खाली रिजॉल्व करना है, मैं एक और क्वेश्चन जो कराऊंगा उसमें पी3 मौजूद होगा। यानी कि समझाने का मकसद क्या है, मेन क्वेश्चन आपको आ रहा है पी1 पी2 पी3, यहां पे आपको मैंने भी पी3 इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहला क्वेश्चन तो मैं जरा चाह रहा हूं आपको थोड़ा आसान हो जाए, मैंने पी3 की वैल्यू मैं कोई से भी उठा के दे सकता हूं, पर मैंने पी3 भी आपको जानबूझ के नहीं दिया, इसको मैंने एक सिंपल एमसीक्यू से भी रखा है, क्लियर है मेरा बेटा। तो भाई देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, वेक्टर ए को रिजॉल्व करवाना है, किसके डायरेक्शन में, पी1 पी2 और पी3, यानी कि जो भी आपके वेक्टर्स आपको गिवन है उसके डायरेक्शन में रिजॉल्व करवाना है। अब जो मेरे पास ओरिजिनली क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये कंटेंट मुझे गिवन है, वेक्टर ए को रिजॉल्व करवाना है किसके अंदर, पी1 और पी2 के डायरेक्शन के अंदर। तो मेरा बेटा कभी भी आपसे कहा जाए किसी वेक्टर को दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में रिजॉल्व करवाना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला होता है कि जिस वेक्टर को रिजॉल्व करवाना है, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करवाना है वो इक्वल टू के एक तरफ लिखा जाएगा, और जिसमें रिजॉल्व करवाना है वो x और y की फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि लेट सपोज अगर मुझे p1 p2 p3 में रिजॉल्व करवाना है तो क्या बन जाएगा, xp1 + का yp2, और अगर यहां पे थर्ड वेक्टर होता तो ऑब्वियसली वो क्या होता, zp3 होता, बट यहां पे चूंकि अभी क्वेश्चन में नहीं मौजूद तो हम सिंपल रहने देते हैं इसको। क्या कहा, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहता है कि भाई ये उस चीज का फॉर्मूला है कभी भी आपको किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन के अंदर रिजॉल्व करवाना हो। क्या कहता है कि भाई देखो जो भी तुम्हारा वेक्टर है उसको एक तरफ लिखो, जिसको रिजॉल्व करवाना है उसको एक तरफ लिखो, जिसमें रिजॉल्व करवाना है वो एक्स और वाई की फॉर्म में रिजॉल्व हो रहा होता है, तो एक्स इंटू पी1 प्लस का वाई इंटू पी2, और अगर यहाँ पे थर्ड वेक्टर पी3 मौजूद होता तो ऑब्वियसली प्लस का जेड इंटू पी3 भी होता, क्लियर है मेरा बेटा। तो अभी चूंकि पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस टॉपिक का, इस तरह के पास पेपर का, तो आपको सिंपल मैंने दो वेक्टर से भी दिए, और एनईडी साइड के ऊपर दो वेक्टर से पूछा जाता है, नस्ट साइड पे तीन वेक्टर से भी आए थे भाई, उसको भी दिखा दूंगा भी कैसे हो रहा होगा। अच्छा तो भाई कैसे करोगे, ए के अंदर ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू क्या है, 9.4। मुझे साफ दिख रहा है भाई ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, तो इसको अगर ओपन करवा दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9i प्लस का 4j इक्वल टू के बाद। अच्छा अब आपके जहन में आ रहा होगा सर आपने इसको k की फॉर्म में ओपन क्यों नहीं करा, मेरा बेटा अगर दो वेक्टर्स गिवन है इसका मतलब क्या, फर्स्ट दो टर्म्स क्या होंगी, i और j होंगी, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्लियर है मेरा बेटा, नहीं तो डिफाइंड कर देता कि भाई k वाली वैल्यू भी है। इसी तरीके से x का x एलिडिस, p1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 2, -3, तो इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से हटाऊं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2i - 3j, और चूंकि बाहर x मौजूद है इसलिए मैंने भी इसको ब्रैकेट में, इस तरह के ब्रैकेट में रखा हुआ है, प्लस का सिंबल एडिडिस, y का y एडिडिस, p2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, ये क्या आ जाएगा 1i प्लस का 2j का j एडिडिस। अब आपने जो काम करना है ना वो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाला काम करना है, सिर्फ ये स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई x और y की वैल्यू चाहिए, जाहिर सी बात है अगर आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको बेसिकली वो डायरेक्शन मिल जाएगी, इसके अंदर आप रिजॉल्व करवा सकते हो, तो बेसिकली आपको वही x और y का काम करना है, स्केलर आपको काम करना था, फाइंड करनी थी वैल्यू, तो आपको बेसिकली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सारी चीजों के तरीके से आपको गिवन है, तो आपको और कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चन के अंदर, और आपको कुछ भी नहीं करना मेरा बेटा, क्लियर है। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया 9i प्लस का 4j एज इट इज। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, सिंपल तरीके वेक्टर्स को कैसे एक्सपेंड करवाओगे, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्लाह भला करे 2xi प्लस माइनस का 3xj फिर प्लस का yi प्लस का 2yj। क्या कहा मैंने भाई, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है वेक्टर उसको नहीं छेड़ना, देखो यहाँ पे ये वाले सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है इसको कुछ नहीं करना फनकारी, तमाम जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है उसके अंदर आई वाले कंपोनेंट्स को एक साइड पे कर दो, जे वालों को एक साइड पे, के वालों को एक साइड पे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस का y, और यहां से मैंने i कॉमन ले लिया क्योंकि i वाले कंपोनेंट ये आ रहे थे, यहां से फिर j वाले कंपोनेंट्स देख लो क्या क्या आ रहे हैं मेरा बेटा, ये आ रहे हैं माइनस का 3x प्लस का 2y, क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज, आई एम सो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ दोबारा से बताने के लिए,
तभी भी आप कॉमन लेते हो ना, तो कोशिश करिएगा हमेशा जिंदगी में अगर अपना क्वेश्चन चाहते हो गलत ना हो कि माइनस वाली वैल्यू पहले ना लिखो, क्योंकि बच्चा जल्दबाजी के अंदर ये भूल जाता है कि भाई उसने माइनस वाली वैल्यू को माइनस बाहर लिख देता है और कुछ तो नहीं बनती। अगर माइनस एन कॉमन ले रहे हो तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो रहे होंगे, इसलिए हमेशा फनकारी जहन में रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन हमेशा सही रहे। तो भाई देखो यहाँ से जैसे मुझे यहाँ से जे कॉमन लेना है, मैं कोशिश क्या करूंगा, पहले मैं जो आपके पास पॉजिटिव टर्म है उसको लिख दूंगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 2y, मैंने पहले 2y जो उनके पॉजिटिव उसको पहले लिख दिया और फिर माइनस का 3x मैंने लिख दिया, तो ये वैल्यू बिल्कुल सही बन जाएगी। अब कोई मसला नहीं होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी प्लस माइनस के साइन की। अब क्या करो, कंपैरिजन करवा लो, कंपैरिजन करवा लूंगा तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, अगर मैं अब कंपैरिजन करवाता हूं तो व्हाट विल बिकम, इट विल बिकम आई वाला कंपोनेंट आई से कंपेयर करवाऊंगा, तो मेरा पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2x प्लस का वाई इक्वल टू के बाद 9, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2y माइनस का 3x इक्वल टू 4। सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई करवा लेंगे, क्या करवा लेंगे, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवा लेंगे। सर कैसे सिंप्लीफाई करवाएं, अगेन आपके पास मेरे पास चूंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन मुझे मिला था ये किसी अनीस वगैरह के किसी पर्टिकुलर हम इंस्टीट्यूट में बैठे हुए थे वहां के बच्चे से हमने क्वेश्चन निकलवाया था, तो इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं मौजूद क्या थे, बट यस करने का तरीकेकार क्या होगा, अगर तो आपको आंसर्स के अंदर ए बी सी डी ऑप्शन गिवन होंगे बारी बारी इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई कर लोगे किसके ऊपर आपका एक्स और वाई सेटिस्फाई कर रहे हैं वो करेक्ट आंसर होगा, नहीं तो आपके पास इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का ऑप्शन ही मौजूद है। इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करोगे, मुझे साफ दिख रहा है कि भैया इक्वेशन वन में वाई सिंगल है, इक्वेशन टू में वाई टू के साथ आ रहा है, तो इक्वेशन वन को मैं टू से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 4x प्लस का 2y और 9 टू 18, और फिर उसको इक्वेशन टू के साथ सेपरेट करवा देता हूं, तो क्या बन जाएगा 2y माइनस का 3x इक्वल टू 4। कभी भी दो इक्वेशन सेपरेट होती है तमाम सिंबल्स क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 2y से 2y कट गया, 4 प्लस का 3x क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 7x हो जाएगा, 18 में से 4 निकालूंगा तो मेरा बेटा 18 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 14 बचेगा, 7 अंदर 7 7 2 उधर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस x की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी पुट करवा दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी आपके पास मेरा बेटा, ये बन जाएगी 2 का 2 x की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस का y इक्वल टू 9, तो ये बन जाएगा 4 प्लस का y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 4 निकाल दो, 9 में से 4 निकाल दो तो आएगा सिंपल तरीके से 5 आ जाएगी, तो आपके पास सिंपल तरीके से y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी डायरेक्शन क्या आ रही है, मेरी डायरेक्शन आ रही है वेक्टर a इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 2p1 वेक्टर इनटू प्लस का 5p2 वेक्टर, तो ये मेरी फाइनल आंसर आ रहा होगा, या तो x और y की फॉर्म में होगा तो ये होगा, अगर डायरेक्शन की फॉर्म में गिवन होगा तो ये गिवन होगा। अब जल्दी से बताओ बेटा, पल्ले पड़ता है, समझ में आता है बात, पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, जल्दी से बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए, बेतहाशा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट डायरेक्शन वाला, ये आज से पहले मैंने कभी भी क्वेश्चन नहीं करवाता था, बट रिसेंट ईयर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पास्ट पेपर में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा पेपर में आपको दिख रहे होंगे ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इसलिए करवाना बहुत जरूरी है। क्लियर है मेरा बच्चा, किसी बच्चे को इसमें कोई मसला कोई परेशानी। अच्छा तो बेटा यहाँ तक अगर आपको बातें क्लियर है, वेरी गुड, हमने पास्ट पेपर के 3 से 4 तरह के टॉपिक अब तक कवर कर लिए। अब चलते हैं कुछ फेवरेट क्वेश्चन की जानेब। अब आपको जितने मैंने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना, और अब तक हमने वेक्टर्स का जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई वेक्टर्स के टॉपिक के अंदर पहला पास्ट पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये पास्ट पेपर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं, अगेन मेरी सोर्सेज स्टडी मटेरियल डाइव के अंदर मैंने हर तरह के पास्ट पेपर अपलोड किए हुए, नस की 50,000 फाइल अपलोड करी हुई, ईकेट यूनिवर्सिटी की अपलोड करी हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लिए, एनईटी के लिए, एंड सो ऑन फास्ट के लिए, तो आप कहीं से भी उसको फॉलोअप कर सकते हैं, और ओईटीपी की मैंने सारी किताबें अपलोड करी हुई पास्ट पेपर बेस। क्लियर है मेरा बच्चा, तो पहला पास्ट पेपर का क्वेश्चन कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अच्छा जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग के तौर पर इस वीडियो को देखेंगे तो वो अपने पास काइंडली इसको लाजमी तौर पर तमाम क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा, क्योंकि अभी लाइव क्लास के अंदर मैं टाइम जरा कम देता हूँ, टाइम की कमी होती है, तो बाकी बच्चे साथ साथ समझ भी सकते हैं और साथ साथ जल्दी जल्दी लिख भी सकते हैं। पहला एमसीक्यू उसके आ रहा है, कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर v, आपको आगे वेक्टर v दे रहा है क्या, 3i माइनस का 4j। बेटा ये आप बिलीव इट और नॉट, ये नस्ट के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अब बोलो सर नस्ट के पेपर में इतने आसान क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, बेटा अगर 5 मिनट वाला क्वेश्चन जब देख के मुझसे पूछते हो सर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन देख के भी तो पूछो ना, इतना छोटा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये नहीं पूछता कोई मुझसे। क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालो। मेरा बेटा यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v cup is equal to, सिंपल तरीके से वेक्टर v को डिवाइड करवा दीजिए उसके किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई इस क्वेश्चन को हमारे मुल्क के। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से वेक्टर v क्या है मेरे पास, वेक्टर v की वैल्यू है 3i माइनस का 4j, इसको डिवाइड करवा दूंगा किसके साथ, v मैग्नीट्यूड के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भाई, अच्छा
कैसे निकालूंगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मेरा बेटा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन, प्लस का जे कंपोनेंट क्या है माइनस का फोर है, मगर जब इसका स्क्वायर लूंगा तो जाहिर सी बात है प्लस का 16 बन जाएगा, तो इसलिए मैंने प्लस में लिखा आंसर। तो क्या बन गया, ये बन गया 3i प्लस का 4j, 3i प्लस का 4j। 9 प्लस 16 होता है किसके बराबर, 25 के बराबर, अंडर रूट 25 क्या होता है मेरा बेटा 5, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा 3i डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 4j डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे पास सिंपल तरीके से जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहला एमसीक्यूज बहुत ही बच्चों वाला था, क्या कह रहे थे भी बताओ, आपके पास यूनिट वेक्टर क्या आ रहा होगा, हमने सिंपल तरीके से क्या करा फाइंड कर लिया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू आर थ्री वेक्टर्स देन यू क्रॉस प्रोडक्ट वी डॉट प्रोडक्ट डब्ल्यू कैन रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ डैश। अच्छा ये मजे का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है मेरा बेटा, सिंपल सी बात कह रहा है आपसे, क्या कहता है, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं ताकि जो लिखना चाह रहे हैं बच्चे वो लिख सकें। इफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू आर थ्री वेक्टर्स, इफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू आर थ्री वेक्टर्स देन देन यू क्रॉस प्रोडक्ट वी डॉट प्रोडक्ट डब्ल्यू रेप्रेजेंट द फॉलोइंग वॉल्यूम, रेप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ डैश, ट्राइंगल, क्यूब, सिलेंडर या पैरेललोग्राम। अच्छा क्या कहता है, इफ यू कॉमा वी एंड डब्ल्यू आर दी थ्री वेक्टर्स देन यू क्रॉस प्रोडक्ट वी डॉट प्रोडक्ट डब्ल्यू कैन रिप्रेजेंट दी वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल, क्यूब, सिलेंडर या पैरेललोग्राम। इसके मैं दो आपको आंसर दे सकता हूँ, एक लॉजिकल आंसर दे सकता हूँ, एक रट्टा बेस आंसर दे सकता हूँ। रट्टा बेस आंसर देखो क्या है कि आप सबसे पहले कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, अब ऐसे क्वेश्चन जब नस साइड पे आते हैं या ईकेट साइड पे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर साइड पे पूछे जाते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है, इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया। भाई कभी भी आपके पास एप्टीट्यूड के अंदर अगर टफ क्वेश्चन आए, खुदारा उससे परेशान नहीं होना, उस क्वेश्चन कभी भी मुश्किल क्वेश्चन आए जिसका आपको आंसर नहीं आता, तो एक शॉर्ट ट्रिक हमेशा हम अपने एज अ टीचर स्टूडेंट को बताते हैं कि बेटा जो भी टफ क्वेश्चन हो जिसमें आपको सोचने में मसला हो रहा है, उस क्वेश्चन को या तो फिलहाल के लिए लीव कर दो, बाकी पेपर सॉल्व करो, बाद में आके उस क्वेश्चन को फरदारी करने की कोशिश करो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इस स्ट्रेटेजी सॉल्व करने की ये है कि जितने आपके अनवांटेड आंसर्स है ना उनको आप रिमूव करवाओ। अनवांटेड आंसर फॉर एग्जांपल आपसे एक ऑप्शन गिवन था ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, दूसरा ऑप्शन गिवन है क्या ये क्यूब है, तीसरा ऑप्शन आई गेस गिवन था पैरेललोग्राम है, और तीसरा ऑप्शन क्या था क्या ये पैरेललोग्राम आ रहा है, एंड देन हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे फिर पूछा जा रहा है अल्लाह वाला करे क्या ये क्या आ रहा है सिलेंडर आ रहा है। अच्छा तो भाई आपके जो अनवांटेड आंसर है जिनके बारे में आपको मालूम है कि यार ये नहीं हो सकते मेरे ऑप्शंस, तो उनको सबसे पहले कैंसिल आउट कर दो, क्या कर दो, फिगर आउट कर दो, खत्म करवाओ। तो भाई देखो आपके पास जो सिंपल तरीके से ये पर्टिकुलर चीज इसका जो किसका फॉर्मूला है क्यूब का नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूब वाली चीज का ये पर्टिकुलर टर्म्स आपको फॉर्मूला में दे सकती। सेम गोज फॉर सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप इज समथिंग डिफरेंट, तो वो भी आपको इस पर्टिकुलर तीन वेक्टर्स के ऊपर इस तरीके से फॉर्म नहीं हो रही होगी। तो जो अनवांटेड आंसर है जो मुझे जहन में देखते साथ ही पता चल रहा है कि क्यूब या सिलेंडर हो गया, वो मुझे तीन वेक्टर्स बेस के ऊपर नहीं मिल रही होगी, तो वो तो मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया। अब फड्डा मेरे पास किस चीज के ऊपर है, ट्राइंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, अब फड्डा किस बात पे, ट्राइंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। वैसे इस एमसीक्यूज को मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको सॉल्व करवाया था, आपको मैंने बात बताई थी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, जो मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे हुए थे वहां पे मैंने ये एमसीक्यूज ऑल्दो लिखा हुआ था, बट स्टिल मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि मेरा बेटा ट्राइंगल भी ऑब्वियसली आपके पास उसके अंदर भी थ्री वेक्टर बेस के ऊपर आपको आंसर मिल रहा होता है, मगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस कि आपके पास जो वैल्यूज होती है किस फॉर्म में ओपन होती है, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू की फॉर्म में, किस फॉर्म में होती है, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू की फॉर्म में। डेट सिंपली मींस कि ये जो आपके पास स्टेज होती है, इसको मैंने एक एमसीक्यूज में आपको डिफाइन किया था कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है बेसिकली दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ थर्ड होती है। ये बात मैंने आपको डिफाइन करी थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये जो ओरिजिनली फॉर्म हो रहा होता है, ओपन हो रहा होता है, किसमें ओपन होता है, टू वेक्टर्स के डॉट, टू वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट, और जो रिजल्टेंट आता है उसका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते थर्ड के साथ, तभी ये आपको डिटर्मिनेंट बेस 3/3 का मैट्रिक्स के ऊपर ओपन होता है, वो यही चीज होती है। तो भाई तो ये चीज क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका आंसर है, पैरेललोग्राम का आंसर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये इसका पर्टिकुलर तरीके का है इस क्वेश्चन का, जो कि आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। क्लियर है मेरा बच्चा, वेरी गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड दी फाइंड आपको एक वेक्टर ए गिवन है, क्वेश्चन नंबर थ्री। ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने लेक्चर में सॉल्व करवाया था और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक वेक्टर ए गिवन है, क्या गिवन है, 2i प्लस का 3j माइनस का 4a। आपको वेक्टर ए गिवन है 2i प्लस का 3j माइनस का 4k, और वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है आपको अल्फा आई, क्या गिवन है, अल्फा आई, और आगे गिवन है आपको प्लस का 9j, प्लस का 9j और प्लस का 5k। आगे आपसे मासूमियत से कह रहे हैं अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। भाई ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको सॉल्व करवाया हुआ है, आपसे क्या कहते हैं, दो वेक्टर्स पैरेलल है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे उनके दरमियान का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है किसके, जीरो के। तो सिंपल तरीके से दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे वो जीरो के बराबर होगा। तो आप यहां से सिंपल तरीके से जो भी अननोन गिवन है उस अननोन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। बेटा ये क्वेश्चन नस साइड से लिया गया है, नस के नेट 2016 के अंदर, नस के नेट के 2016 के पेपर में पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बच्चा इन क्वेश्चंस में नहीं कहता सर ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, सर ये इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा हर तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, आसान भी दिए जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी दिए जाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो वेक्टर ए में वेक्टर ए की वैल्यू डाल दीजिए, क्या आ जाएगी, 2i प्लस का 3j माइनस का 4k। तो सिंपल तरीके से इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है अल्फा आई प्लस का 9j प्लस का 5k। सिंपल तरीके से क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। डॉट प्रोडक्ट निकालना मैंने आप तमाम लोगों को सिखाया हुआ है। अगला एमसीक्यू देख लीजिए, अगला एमसीक्यू आपसे कहता है, अल्लाह भला करे क्या, अल्लाह भला करे आपसे कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। अल्लाह अकबर, क्या कह रहे हैं भाई, इतना आसान क्वेश्चन। आपसे क्या कहते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम फॉलोइंग फॉर्मड बाय द फॉलोइंग थ्री वेक्टर। तो वेक्टर यू की वैल्यू आपको दी जा रही है आई प्लस का 2j माइनस का k, वेक्टर v की वैल्यू दी जा रही है i माइनस का 2j प्लस का 3k, और वेक्टर w की वैल्यू दी जा रही है आपको i माइनस का 7j माइनस का 4k। तो मेरा बेटा ये इससे आसान क्वेश्चन को एग्जिस्ट कर सकता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। मैंने आपसे क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बेसिकली 3/3 का डिटरमिनेंट। तो वेक्टर्स को अपनी बारी बारी अरेंज करके डाल दीजिए, क्या बन जाएगा, आई प्लस का 2, आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, फिर क्या हो जाएगा, v वेक्टर के लिए हो जाएगा 1 माइनस का 2 3, थर्ड वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 माइनस 4। सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम का आंसर आ जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको सॉल्व करवाया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे बताओ क्या मसले की बात है, हमारी मुल्क के नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर है भाई, क्लियर है मेरा बेटा। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, किस क्वेश्चन क्वेश्चन को मैं रिपीट करूं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हो तो बेटा उसके अंदर आपको दो वेक्टर्स गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म करें, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू निकालें, आपको तीन वेक्टर्स गिवन है, सही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको तीन वेक्टर्स गिवन है, आपसे कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम निकालिए, सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, सबको क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा भाई, तो अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आगे मूव कर लेते हैं। अच्छा, पांचवा एमसीक्यू जो आ रहा है, ये तो मेरा फेवरेट एमसीक्यू है। मैंने क्या बताया था आपसे, जब मैं थ्योरी, आपने देखा होगा वेक्टर्स के लेक्चर के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको थ्योरिकल पॉइंट पढ़ाए थे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था बेटा थ्योरी के क्वेश्चन बहुत आएंगे इस टॉपिक से। तो अगला जो क्वेश्चन है वो यही बात कर रहा है, अगेन ये कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी का नहीं है, नस साइड का पास पेपर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कहता है i.j into j.k. अब बच्चा इतना प्रेशर में होता है एप्टीट्यूड एग्जाम को देख के, वो लास्ट के दो पढ़ता है, सर ये j.j और k.k आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर सिमिलर वैल्यू 1 के बराबर होती है तो आंसर तो 1 होगा। नहीं मेरा बेटा, नहीं, क्यों 1 होगा, अल्लाह के बंदे गौर से देखो, ये तीनों चीजें आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो भाई यहां पे सारी चीजें इतनी आसान नहीं है ना, जे डॉट जे का सिमिलर कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, के डॉट के का आंसर भी 1 होगा, मगर गौर से देखो यहाँ पे आई डॉट जे आ रहा है। अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, तब 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 0 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है भाई, बच्चे सॉल्व करते हैं उसको हमारे मुल्क के। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है मेरे ख्याल में कोप्लेनर वेक्टर के ऊपर गिवन है, नहीं सिंपल सा आ रहा है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, भाई एक एक चीज बता के बताऊंगा, मैंने पढ़ाई भी है, तो देखो पास्ट पेपर में गिवन है। कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मड बाय द वेक्टर्स, वेक्टर यू की वैल्यू दे रहा है यू इज इक्वल टू
2i माइनस का अल्फा जे प्लस का 6k। आगे कहता है वेक्टर v इज इक्वल टू i प्लस का 2j माइनस का k, और देन आपको वेक्टर w की वैल्यू दी जा रही है। वेक्टर w की वैल्यू क्या दे रहा है भैया आपको, ये दे रहा है अल्लाह भला करे अगेन अल्फा i प्लस का 3j प्लस का k। आपसे कह रहे इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मड बाय द वेक्टर वेक्टर u वेक्टर v एंड वेक्टर w, वेक्टर u की वैल्यू है 2i माइनस का अल्फा j प्लस का 6k, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वेक्टर v की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस का k, और वेक्टर w की वैल्यू दे रहा है अल्फा i प्लस का 3j प्लस का k इज 4, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू दे रहा है 4, बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, ये पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है v इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, तो आपको यहां पे उसने v की वैल्यू भी दे दी, क्या दे दी 4। आपको सिंपल तरीके से अल्फा के लिए सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले में डाल दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस का अल्फा प्लस का 6, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 माइनस का 1, फिर क्या हो जाएगा अल्फा 3 और 1। सिंप्लीफाई करवाओगे इसको सिंपल तरीके से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको इसके लिए सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा बेटा, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको, हमारे मुल्क के यार बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। अच्छा आगे जो क्वेश्चन दिवे ने बहुत ही आसान से गिवेन है, ये गिवेन है आपके पास अल्लाह भला करे, बहुत ही बच्चों वाले बेसिक क्वेश्चन है, मेरे शागिर्द के लिए तो बहुत ही ईजी चीज है। अब ये क्वेश्चन की नसाइट पे बहुत आप पूछे जाते हैं, जो एक से दो क्वेश्चन वेक्टर्स के आ रहे होते हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है भाई, आपके लिए बिल्कुल हलवा बन जाएंगे इंशाल्लाह। एक दफा कह रहा है i मल्टीप्लाई बाय j मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू क्या होगी, क्या कह रहा है i मल्टीप्लाई बाय j मल्टीप्लाई बाय k। बेटा मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी सुना के आपको एक क्वेश्चन बताया था, इफ यू रिमेंबर क्या बताया था मेरे साथ क्या हुआ था। तो भाई देखो कभी भी क्वेश्चन है फौरन से चेक कर लो क्या आपको दे रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। अब देखो कह रहा है जे से के पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, जे से के पे जा रहे हैं, जे से के पे जा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का आई मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव का आई मिलेगा, तो पॉजिटिव का आई मिल गया। और आई डॉट आई कैसे मिल गए, सिमिलर सिमिलर कंपोनेंट्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सिमिलर कंपोनेंट्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। बिल्कुल हलवा चीज है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है आपके लिए, क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात, वेरी गुड। अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर मेरा बेटा अगला क्वेश्चन इसी तरह की बगलोली क्या कह रहे हैं, बताओ i डॉट j मल्टीप्लाई बाय k का आंसर क्या होगा। भाई i डॉट j मल्टीप्लाई बाय k का आंसर क्या होगा, मैंने क्या आपको बताया भाई, j से k पे हमेशा बना के चेक कर लो, j से k पे क्या होगा, क्लॉकवाइज है, तो प्लस का i मिलेगा आपको। तो भाई i डॉट i क्या हो गया, सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है किसके मेरा बेटा, 1 के बराबर होता है, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से एक दफा क्वेश्चन ये भी पूछा गया, क्या पूछा गया, i डॉट k मल्टीप्लाई बाय j, i डॉट k मल्टीप्लाई बाय j, यानी कि यहाँ पे एग्जामिनर ने मुफ्ते के नंबर दिए हैं भाई आपको इन तीनों एमसीक्यूज़ में, क्या पूछा गया, आई डॉट के मल्टीप्लाई बाय जे। अब मेरी देखो स्टोरी मैंने क्यों सुनाई थी, इसलिए सुनाई थी कि आप उसको पिक कर सको। अब देखो यहाँ पे चेक करो, हमेशा क्लॉकवाइज गिवन है, काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ पे आपको काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, के से जे पे जा रहा है, तो मेरा बेटा यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव का आई आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो क्या बन गया, आई डॉट आई। सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 1 के, क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा मेरा बेटा, माइनस का 1 आपका आंसर होगा। क्लियर है मेरा बच्चा, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, क्लियर है भाई, सिंपल से एमसीक्यूज है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी है, क्लियर है मेरा बेटा, कोई परेशानी की बात। वापस मूव करते हैं मेरा बेटा, लेट सपोज मुझसे कह रहा है भाई अगेन ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन दे रहा है, बहुत इजी है, मैं उसको अब पढ़ना भी नहीं चाह रहा, बहुत ज्यादा पैरेललोग्राम मैंने करवा दिए, पास पेपर में पैरेललोग्राम बहुत मिलेगा, पैरेललोग्राम का एमसीक्यूज बहुत आता है पेपर के अंदर, या ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट वाला बहुत आता है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, खूबसूरत सा तोहफा ईदी मेरी तरफ से, क्या कह रहा है, कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, और आपको वेक्टर ए की देन वैल्यू गिवन है, क्या वेक्टर ए की आपको वैल्यू गिवन है, माइनस का आई प्लस का 2j और माइनस का 4k। आपसे कहा जा रहा है बताओ इसका अल्लाह भला करे क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा। मैंने क्या कहा, कैसे फाइंड करोगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जो भी वेक्टर होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिंपल तरीके से इसको इजीली आप फाइंड कर लेंगे, क्लियर है मेरा बेटा। तो आपसे कहा जा रहा है क्या फाइंड करो, आपसे कहा जा रहा है मेरा बेटा कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आपको वेक्टर ए गिवन है, आपसे कहा जा रहा है इसका यूनिट वेक्टर बताओ क्या होगा। मेरे ख्याल में सिंपल सी चीज है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, मसले की बात नहीं है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए अपने पास, घर पे बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा देन एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपको तोहफे के तौर पर दे सकता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहता है, अच्छा ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में वैसे बताई थी, क्वेश्चन कहता है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस का j प्लस का k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i प्लस का j, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। मैंने आपसे बेटा ये बात पहले भी बताई थी, कभी भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का क्वेश्चन आए, ये हमेशा कौन से टॉपिक से बिलोंग करता है,
ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन होता है, हमेशा जहन में बात रखिएगा, कभी भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का क्वेश्चन आ जाए, ये डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. क्या कहा मैंने आपको, सिंपल सा टॉपिक गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यूज गिवन आपसे कहा जा रहा है, बताओ इनके दरमियान का एंगल क्या होगा. सिंपल तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है. तो क्या फॉर्मुला होगा आपके पास, फॉर्मुला होता है मेरा बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी. अच्छा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i माइनस का j प्लस का k इनटू वेक्टर बी क्या हो जाएगा, माइनस का i प्लस का j. और नीचे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सही है ना. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तमाम कंपोनेंट्स का स्क्वायर. तो आई का कंपोनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया. माइनस के 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1. प्लस के 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 ही रहेगा. आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है माइनस का आई प्लस के जे का. तो मेरा प्यारा बच्चा माइनस आई प्लस जे का कंपोनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1. एंड देन आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से प्लस के जे का प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस का 1 ही होगा. क्लियर है मेरा बेटा. तो ये हमारे पास सिंपल तरीके से ऊपर क्या फॉर्म हो जाएगा, ऊपर ही हमारे पास आ रहा होगा, अल्लाह भला करे क्या, ऊपर हम सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. ऊपर हम सिंपली क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट. मेरा बेटा आई वाली चीज से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू नेगेटिव आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2 आ जाएगा मेरा बेटा. माइनस का जे प्लस का जे क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से माइनस का 1 हो जाएगा. प्लस का के और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस का के और 0, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वेक्टर के अंदर के वाली टर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली वो 0 की होगी. तो प्लस का के इनटू 0 क्या हो जाएगा, 0 होके खत्म हो जाएगा. 0 होके क्या हो जाएगा मेरा बेटा, खत्म हो जाएगा. तो हमारे पास सिंपल तरीके से ऊपर माइनस टू माइनस 1 बचा, नीचे क्या हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है मेरा बेटा, 6 होता है. 4 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है, 6 होता है. आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि भैया बताओ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ये हमारे पास हो गया. अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, ऊपर बन गया हमारे पास माइनस का 3 और नीचे क्या हो गया, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 2. कभी भी दो रूट वाली टर्म आ रही हूँ, ये आपस में एटलीस्ट मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 12. अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 12. अब देखो मेरे तमाम प्यारे प्यारे शागिर्दों, आपको रूट 12 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए. कैसे मालूम होनी चाहिए, रूट 12 का आंसर क्या होता है. देखो अगर आप में से किसी भी बच्चे को अंडर रूट निकालना नहीं आता बगैर कैलकुलेटर के, अगर आप नस साइड के लिए अप्लाई करो, फास्ट साइड के लिए अप्लाई करो, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है. हाँ अगर आप एनईडी या प्यास के लिए अप्लाई करो, वहां पे तो कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा, बट बाकी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं होगा. तो आपको अगर रूट 12 की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ मेरा बेटा. शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि अगर आपको अपनी कभी भी जिंदगी के अंदर परफेक्ट वैल्यू चाहिए रूट वाली, इसकी दो शॉर्ट ट्रिक्स है, मैंने आपको ऑल्दो पहले भी सिखाई हुई है, चीज दोबारा बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रूट 12 का आंसर पॉइंट में चाहिए ना, तो इसकी जुगाड़ होती है. जुगाड़ ये होती है कि रूट 12 से देखो पहले कौन सा नंबर परफेक्ट रूट आ रहा है. आप बोलोगे सर 9 आ रहा है, तो 9 किसका रूट होता है, 3 का. तो 9 12 में से 9 निकाल दो, कितने टर्म बची, 3 बची. तो रूट 12 का आंसर समाउ 3.3 होगा. क्लियर है मेरा बेटा. क्या शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई, कभी भी जुगाड़ के तरीके से अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए, तो पॉइंट में आंसर कैसे निकालोगे, रूट 12 से पहले देखो कौन सा परफेक्ट रूट होता है, रूट 9 होता है. क्या होता है, रूट 9 होता है. और 9 जो 9 है ये 12 से कितना कम है, 3 का. तो हमेशा जिंदगी में रखिएगा, कभी आपको जुगाड़ में वैल्यू चाहिए, सिंपल तरीके से परफेक्ट रूट है उसको लिखो, डेसिमल के बाद परफेक्ट रूट और जो ओरिजिनल टर्म है उसको देखना, जो भी डिफरेंस है वो डेसिमल के बाद लिख दो. ये जुगाड़ पे आंसर होता है. ये क्या होता है, जुगाड़ पे आंसर होता है. 3.5 क्यों नहीं आंसर, 3.5 इसलिए नहीं आंसर, वो बहुत आपको कॉम्प्लिकेट, मैं भी वो आंसर भी निकालना सिखाऊंगा. ये आंसर मैंने जुगाड़ पे सिखाया, ये आंसर मैंने किस पे सिखाया, जुगाड़ पे सिखाया, कि ये 60-80% करेक्ट होगा. फिजिक्स वगैरह के अंदर ये आंसर चल जाता है, बट इसका एक और तरीका भी है, और वो तरीका परफेक्ट वाला है. वो तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ. क्या तरीका है वो तरीका, कि भाई मेरा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज कर लो, उससे आपके पास एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर. वो तरीका कार क्या है, वो तरीका है कि सिंपल तरीके से अंडर रूट एक्स प्लस का वाई, लेट सपोज एक्स प्लस माइनस वाई है, उस फॉर्मूले को ओपन कैसे करते हैं हम लोग, उस फॉर्मूले को ओपन करते हैं रूट के अंदर एक्स प्लस का वाई डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स. ये फॉर्मूला है, कभी भी आपको अगर अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, इस फॉर्मूले को यूज करिए. ये एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, वाई क्या है, डिफरेंस. एक्स का है परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रूट 12 मौजूद है, तो रूट 12 को परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करो और रिमेनिंग नंबर के ऊपर. तो रूट 12 से पहले का ऐसा कौन सा नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, मेरा बेटा 9 होता है. तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है मेरे पास, रिमेनिंग अमाउंट 3 की होगी, तो 9 प्लस का 3. अब यहाँ पे जो 9 है ना, ये एक्स है और ये 3 क्या है, वाई है. मेरा बेटा आगे चलते हैं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से अंडर रूट 9 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू रूट एक्स. तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, अगेन ये 9 आ जाएगा यहाँ पे. तो रूट 9 क्या होता है, 3 होता है, प्लस का सिंबल. इस 3 से अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो क्या बचा, सिंपल तरीके से हाफ बचा. तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपली मेरे पास, 3.5. आंसर क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से मेरे पास,
3.5, क्लियर है मेरा बेटा? क्या आंसर आ जाएगा? 3.5, क्लियर है मेरा बच्चा? 3.5। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, ये गिवन है आपको cos थीटा, cos थीटा की आपको वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, ये वैल्यू गिवन है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3.5। एक तरीका तो ये कि आप इसको एज इट इज यहाँ पे इस पैटर्न के ऊपर लिख दीजिए, एक तरीका तो क्या है कि आप cos थीटा की वैल्यू को इस पैटर्न के ऊपर लिख दीजिए, मगर दूसरा तरीका क्या है कि यार आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अंडर रूट 12 का आंसर क्या होता है, अंडर रूट 12 बराबर होता है 2√3 के, अंडर रूट 12 किसके बराबर होता है मेरा बेटा 2√3 के। तो यहाँ पे मैं एक और काम कर सकता हूँ, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय रूट 12 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2√3 के, है ना भाई? तो यहाँ पे एक और आंसर क्या आ गया 2√3। तो सिंपल तरीके से मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही होगी, ये आ रही होगी कॉस इनवर्स, यानी कि थीटा के लिए आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 2√3, या फिर इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ 3/√3 के मायने क्या है, ये हमारे पास सिंपल तरीके से बन जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सर ये क्या काम कर दिया, देखो ये आपके पास जो टर्म आ रही है इसके अंदर नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट आ रहा है, तो अगर आप रैशनलाइजेशन करवा दो तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1/√3 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास सिंपल तरीके से कॉस इनवर्स के ऊपर। अच्छा अब एक और चीज ध्यान में आती है, ज़हन में एक और चीज क्या आती है, क्या आपको ये बात मालूम है कि cos inverse root 3 divided by 2 के ऊपर आंसर क्या मिलेगा? अब आप बोलोगे सर ये तो मुश्किल चीज है। नहीं मेरा बेटा, if you remember मैंने आपको values पढ़ाई थी कि 0, 30, 60, 45 and 90। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपके पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, खुदारा पेपर जैसे ही आपको मिले ना, पेपर के स्टार्ट के अंदर टेबल ड्रॉ कर लेना, लिटरली ये टेबल आपको जिंदगी भर आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, अगर आपने पेपर के स्टार्ट में बना दिया, क्योंकि आप बार बार अपने जहन में जोर डाल के नहीं सोच सकते यार। बहुत दफा जब मैं टीचिंग कर रहा होता हूँ इतना ज्यादा प्रेशर होता है, मैं खुद एक जहन से निकल जाती है चीज, ह्यूमन साइको है भाई। आप जब वहां पेपर दे रहे हो तो आप मेरा बेटा वहां पे ज्यादा प्रेशर के अंदर होगी, तो अपने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ पेपर के स्टार्ट के अंदर टेबल बना दो, ये टेबल फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, मैथ्स में तो काम बहुत ज्यादा आएगा। तो भाई देखो कॉस इनवर्स के लिए क्या मैंने आपको तरीकेदार बताया भाई, आपके पास सिंपल तरीके से कॉस 30 के ऊपर आपको क्या मिल रहा होता है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मिल रहा होता है, cos 0 पे 1 होता है, एंड देन सिंपल तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मिल रहा होगा, देन यहां पे आपके पास सिंपल 1/√2 आ रहा होगा। तो आपने टेबल स्टार्टिंग बना देना है, तो cos इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2 पे आपको क्या मिलता है, 30 डिग्री मिलता है, cos इनवर्स उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा होता है, 30 डिग्री मिल रहा होता है, मगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, तो माइनस की वैल्यू का मतलब क्या है कि आप सिंपल तरीके से 180 में से माइनस कर रहे होगे, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 150 डिग्री का आंसर होगा। आंसर क्या होगा मेरे बेटा, आपके पास फाइनली थीटा का आंसर क्या आ रहा होगा, 150 डिग्री का आंसर आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा, इसको आप रेडियन की फॉर्म में जब कन्वर्ट करवाओगे, रेडियन के फॉर्म में एंगल मांगे हुए थे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 150 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं किससे, पाई बाय 180 से, 0-0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से आपके पास 3, 5, 15 and 3, 6, 18, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5π/6, क्या हो जाएगा 5π/6। दोबारा सुन लीजिएगा मेरा बेटा, आपको क्या फाइंड करना था, एंगल फाइंड करना था। आई होप यहाँ तक का काम सबको क्लियर होगा, अगर किसी भी बच्चे को परेशानी हो रही हो दोबारा बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा समझिएगा भाई। देखो यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी, हमने क्या करा, सिंपल फॉर्मूले में डाल के यहाँ तक का काम कर लिया। देखो अब जो आगे हमने काम किया ना, वो काम इसलिए करा क्योंकि ये क्वेश्चन नस में जब पूछा गया था तो वहां पे आपको एंगल फाइंड करना था, मैंने ये बात आपको पहले ही बताई भी है, एंगल फाइंड करने आ सकता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, परफेक्ट वैल्यूज आपको दी जाएंगी कि आप सिंपल सिंपल परफेक्ट एंगल्स को फाइंड कर सको। मेरा बेटा माइनस का 3 डिवाइड बाय रूट 12 किसके बराबर होता है, रूट 12 की वैल्यू होती है 2√3, क्या होती है 2√3, सिंपल तरीके से आपने माइनस 3 बाय रूट 3 लिखा, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस का अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब देखो आपको ये बात मालूम है कि cos 30 रूट 3 बाय 2 होता है, तो cos इनवर्स पॉजिटिव का रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर होता है किसके, 30 डिग्री के। आपसे जो यहाँ पे वैल्यू पूछी गई, किसकी वैल्यू पूछी गई है, माइनस के अंदर टर्म वैल्यू पूछी गई है, तो माइनस में वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस के अंदर वैल्यू कैसे निकालोगे, वो इसके 180 में से वैल्यू एंगल को माइनस करवा दो, आपके पास जो एंगल आ रहा है पॉजिटिव रूट 3 डिवाइड बाय 2 पे 30 डिग्री होता है, तो आपका जो कंप्लीट एक पाई होता है वो कितना होता है 180 का, तो 180 में 30 माइनस करवा दोगे तो आपके पास नेगेटिव वाले टर्म की पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर आपको ये वैल्यू मिल रही है किसके ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर, तो इसके नेगेटिव पोर्शन की जो वैल्यू आ रही है कैसे निकालोगे, 180 का कंप्लीट रोटेशन आपके पास आधा रोटेशन आ रहा है उससे माइनस करवा दो, उस रोटेशन से आपके पास सिंपल तरीके से क्या वैल्यू आ जाएगी, 150 आ जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करवाओगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा होगा वो 5π/6 होगा। बेटा ये क्वेश्चन नस के अंदर पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल के अंदर आई होप क्लियर करने की कोशिश करी है, और मैं समझता हूँ ये बात क्लियर होगी, जस्ट लेट मी नो काइंडली ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताओ।
अगर यहां तक की बात क्लियर है, बस एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता हूँ, उसपे फिर इस वेक्टर्स के टॉपिक को फाइनली वाइंड अप कर देंगे और ये वीडियो लेक्चर बेतहाशा बिलियन डॉलर्स है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको दिए बेटा आज से पहले नहीं दिए थे, पहले बता रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी यूनिवर्सिटी की प्रैप के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन लिखो जरा, क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी द, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर। पहला ऑप्शन आपको गिवन है, क्वेश्चन क्या कहता है, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है, लिटरली वो मजे का क्वेश्चन है, आपको टॉपिक समझा चुका हूं, अब इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूं, क्यों मैंने इस क्लास के स्टार्ट में आपको टॉपिक क्लियर किया था, आपको समझ में आएगा। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर। पहला आपको आंसर दे रहे हैं 60, 45, 90, पहले ऑप्शन गिवन है 60, 45, 90, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 45, 45, 45, तीसरा ऑप्शन आपको गिवन है 60, 30, 30, चौथा ऑप्शन आपको गिवन है 60, 60, 45। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए फिर आप बात करिएगा, वो बात क्लियर होती है नहीं होती। क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सेट ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर। यानी कि आपसे कहा जा रहा है बताओ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर इन तीनों में से कौन से होंगे। अब आपको चार सेट गिवन है, आपको चार सेट गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताओ कौन से करेक्ट डायरेक्शन एंगल्स हैं। अब आप सोच रहे हो कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, याद करो इस क्लास के स्टार्ट में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि डायरेक्शन एंगल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा बराबर होता है किसके, वन के। क्लियर है, मैंने आपसे क्या कहा था क्लास स्टार्ट में बताया था। तो अगर हमें फाइंड करना है कि कौन से एंगल मेरे करेक्ट डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो भाई देखो अल्फा बीटा और गामा मेरे डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, हमें बात मालूम है प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। अगर मुझे चेक करना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन से किसी सिंगल वेक्टर के, एक परफेक्ट वेक्टर के अल्फा बीटा और गामा की एग्जैक्ट वैल्यू सकती है, डायरेक्शन बेस्ड वैल्यू सकती है, तो इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करवाएगी इस काम को, ये प्रॉपर्टी पढ़ाने का रीजन ही ये था आपको। क्या रीजन है अब समझ में आएगा आपको, हम बारी बारी इन चारों सेट्स को इनमें इस प्रॉपर्टी में पुट करेंगे जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, यानी कि वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पहला ऑप्शन क्या गिवेन है, पहला ऑप्शन गिवेन है 60, 45, 90, तो पहला एंगल कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा। मेरा बेटा कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर अगेन क्या है कहा है, पेपर के स्टार्ट के अंदर आपने ये पर्टिकुलर चार्ट बना लेना है। तो भाई कॉस 60 हमारे पास सिंपल तरीके से हाफ के बराबर होते हैं ना भाई, कॉस 60 के बराबर होता है हाफ के बराबर होते हैं, तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। बीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस 45, कॉस 45 इज बेसिकली 1/√2 और बाहर स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस गामा के लिए क्या कह रहे हैं 90 डिग्री, तो कॉस 90 इफ आई एम नॉट रॉन्ग किसके बराबर होता है मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से बराबर होता है 0 के, है ना भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 0 आ जाएगा, इक्वल टू क्या ये 1 के बराबर आ रहा है, अगर तो आएगा तो प्रूव होगा, मुझे साफ दिख रहा है ये कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 1/4 हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए तो हमारा फेल हो गया, सॉरी ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर रहा। क्वेश्चन कह रहे हैं बताओ कौन सा इनमें से करेक्ट सेट डायरेक्शन ऑफ एंगल्स को वेरीफाई कर रहा है, कैसे चेक करें, प्रॉपर्टी वाली वाली डाल के। अच्छा दूसरे सेट पे चले जाइए, दूसरे सेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है मेरा बेटा 45, 45, 45, तो क्या बन गया कॉस 45, बेटा मेरा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा के अंदर 45 जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, कॉस बीटा में जाएगा तो क्या बन जाएगा अगेन 1/√2 का होल स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। तो मेरा बेटा सिंपल सी बात है, जब स्क्वायर ओपन होगा तो 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 ये बन जाएगा 3/2, क्या बन जाएगा 3/2, ये भी 1 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन बी भी फेल हो गया, इसका मतलब क्या है ऑप्शन बी भी फेल हो गया। ऑप्शन 4 को चेक कर लीजिए, ऑप्शन 4 क्या है आपके पास 60, 60, 45, इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लोगे तो मेरा बेटा, चलो पहले ऑप्शन 3 चेक करूंगा, सॉरी ऑप्शन 3 पहले चेक कर लेते हैं, ऑप्शन 3 क्या आ रहा होगा, ये आ रहा है 60, 30, 30, तो मेरा बेटा cos स्क्वायर अल्फा में 60 एंगल डालूंगा, तो cos 60 क्या होता है हाफ के बराबर होता है, cos 60 किसके बराबर होता है हाफ के, क्या बन जाएगा हाफ का स्क्वायर, cos 30 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है √3/2 के, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगेन यहां पे क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 और 3/4 ये बन जाएगा अगेन 3/4, अगेन ये किसके बराबर होगा 6, 7/4 के,
ये भी वन के बराबर नहीं आता, तो यानी कि इसने भी इस प्रॉपर्टी पर फेल कर दिया। फाइनली लास्ट ऑप्शन बचा, इसको भी चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं मेरा बेटा, cos 60 किसके बराबर होता है, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा में जब जाएगा, फिर बीटा में जाएगा तो क्या बन जाएगा, अगेन 1 by cos 60 बराबर होता है हाफ के, तो उसका ऊपर स्क्वायर गिवन, तो cos स्क्वायर बीटा हो गया। फिर आगे आगे मैंने आपको cos स्क्वायर गामा, गामा की वैल्यू वो गिवन है 45, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास अल्लाह भला करे 1/√2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 1/4 प्लस का 1/4 प्लस का सिंपल तरीके से रूट टू किसके बराबर होगा हमारे पास, हो जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया 2/4, ये क्या बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से 2/4 प्लस का हाफ। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और फर्दर, यहाँ पे अगर एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 2 8 एंड देन हमारे पास 2 2 4 प्लस 1 5, अच्छा नहीं सॉरी हमारे पास सिंपल तरीके से उसमें एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं, क्या बन जाएगा 2/2, तो नीचे क्या बन गया 4 बन गया, ऊपर क्या आ गया सिंपल तरीके से आपके पास अगेन वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से 1 बन रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या आ जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से 2 2 4 हो गया, 2 1 2 सिंपल तरीके से 2 + 2 क्या हो जाएगा, ऊपर भी 4 आ गया नीचे भी 4 आ गया, तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा सिंपली 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये फाइनली वेरीफाई कर रहा है आपके इस पूरी स्टेटमेंट को। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन था, बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है आज की क्लास के लेक्चर का, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन निचोड़ है, लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे आज के वेक्टर्स के पास पेपर बेस्ड सेशन के निचोड़ है मेरा बेटा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जा रहा, आपसे बस ये मांगा हुआ था कि बताओ कौन सा सेट ऑफ एंगल्स जो है डायरेक्शन ऑफ एंगल्स को वेरीफाई करने, उसके लिए हमने क्या काम किया, क्या स्ट्रेटेजी यूज करी, कि भाई देखो हमें बात मालूम है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन ऑफ एंगल्स की, हमने बेसिकली उस प्रॉपर्टी को खाली यूटिलाइज करा, हमने बेसिकली क्या करा उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करा और कुछ भी नहीं करा, तो हमने बेसिकली इस प्रॉपर्टी को क्या किया यूटिलाइज करा है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने बारी बारी इन तमाम जो हमें ऑप्शंस गिवन थे इनको वेरीफाई डाल डाल के चेक करा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की अप्लाई करो हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, काइंडली पेपर के स्टार्ट में जो है ना टेबल बना दीजिएगा, टेबल मैंने शॉर्ट टेप आपको सिखाया हुआ है, बहुत दफा सिखाया हुआ है, नहीं तो क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स के नहीं, मैंने ढेरों दफा सिखाया था और आई होप आपको मालूम होगा, क्लियर होगा, क्लियर है मेरा बेटा। तो यहाँ पे हम अपने आज के फाइनली लेक्चर को ऑफ कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर सेशन को एंड कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो सबको क्लियर है, कमेंट सेक्शन में लाजमी राय का इजहार करिए, मुझे बताइए कि आपको बात क्लियर है, किसी बच्चे को कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम। लेक्चर ऑफ करने से पहले एक बच्चे ने फरमाइश करी कि सर टेबल दोबारा से बता दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल की शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की शॉर्ट ट्रिक ये है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको खाली 5 बेसिक एंगल्स मालूम होने चाहिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90, क्लियर है, आपने कोई रट्टा नहीं मारना, बेसिक शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले लेट्स सपोज आप साइन की वैल्यू से फाइंड करना चाह रहे हो, सही है ना, तो क्या करना है आपने मेरा बेटा, आपने सिंपल तरीके से एक अंडर रूट बना दो, जितने भी आपके पास 5 एंगल्स आ रहे हैं सबके नीचे क्या बना दो, एक अंडर रूट बना दो, एक अंडर रूट बना दो, और सबके नीचे 4 लिख दो, सबके नीचे क्या लिख दो 4 लिख दो, सबके नीचे 4 लिख दो, सबके नीचे क्या लिख दो 4 लिख दो, सबके नीचे 4 लिख दो, क्लियर है डिवीजन के अंदर। मैंने क्या कहा ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट टेबल जो होता है हमारे पास, उसके बच्चे में अक्सर देता हूँ उसके रट्टे मार रहे होते हैं, मैं रट्टे नहीं मारने, ये टेबल सीख लो, टेबल बहुत ही आसान है, आपको सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। तो भाई आपने सबसे पहले साइन के लिए खाली काम करना है, सबके नीचे आपने क्या किया, आपने अंडर रूट के बाद सबके नीचे डिवीजन में 4 लिख दिया डिनोमिनेटर के अंदर, और ये 5 एंगल आप बेसिकली इन्हीं 5 इसके ऊपर लिखोगे, इन्हीं 5 सीक्वेंस के अंदर लिखोगे 0, 30, 45, 60, 90। अब बारी बारी चलो 0, 1, 2, 3 एंड 4, बारी बारी हमने सीक्वेंस को फॉलो किया। 0/4 क्या होता है मेरा बेटा, 0 होता है। 1/4 किसके बराबर होगा, हाफ के बराबर होगा। रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 किसके बराबर होगा, सिंपल तरीके से बराबर होगा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के, और 4/4 किसके बराबर होगा 1 के। तो मैंने कुछ भी नहीं करा मेरा बेटा, मैंने कोई चीज रट्टा नहीं मारी, मैंने सिंपल तरीके से टेबल को ड्रॉ किया और टेबल जल्दी से ड्रॉ कर दिया, कि मैंने साइन को लिखा, साइन लिखने के बाद सबके ऊपर अंडर रूट रखा, अंडर रूट के अंदर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। मेरे ख्याल में कोई डफर से डफर बच्चा भी है, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी इस टेबल को अपने जहन में बढ़ा सकता है, कि आप सिंपल आपने टेबल को रखा है, सिंपल आपने टेबल के अंदर एक सीक्वेंस को फॉलो करा है और सबके नीचे पहले 4 रख दिया, अपने सीक्वेंस को फॉलो करके 0, 1, 2, 3, 4 रख दिया। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर मेरा बेटा हमने क्या किया, हमने अब कॉस की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो कॉस की वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉस की वैल्यूज फाइंड करना बहुत ही इजी, आपको कोई रट्टा नहीं मारना, जो साइन की वैल्यूज आई है वो अपोजिट वे के अंदर कॉस की वैल्यूज होती है, यानी कि साइन 90 की जो वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू होगी। तो सिंपल तरीके से खाली अब इस टेबल को उल्टा उतार दो, बस इस टेबल को उल्टा उतार दो, क्या बन जाएगा 1/√3/2, 1/√2 का 1/√2 एज इट इज, देन साइन 30 की जो वैल्यू होती है कॉस 60 की होती है हाफ का एज इट इज, और साइन 0 की होती है कॉस 90 की, तो 0 का 0 आ गया। देन टेंजेंट की वैल्यूज पे ले जाऊंगा, टेंजेंट की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा,
बचपन में फॉर्मुला पढ़ा होगा साइन बाय कॉस बेसिकली टेंजेंट। तो अगर मुझे टेंजेंट जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन जीरो डिवाइड बाय कॉस जीरो कर दीजिए। जीरो डिवाइड बाय वन क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। अगर टेंजेंट 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन 30 डिवाइड बाय कॉस 30 की वैल्यू कर लीजिए। तो हाफ डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2 क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बाय अंडर रूट 3 बचेगा। अगर टेंजेंट 45 की वैल्यू चाहिए तो साइन 45 डिवाइड बाय कॉस 45 कर दीजिए। तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल 1 आ जाएगा। टेंजेंट 60 की वैल्यू चाहिए तो साइन 60 डिवाइड बाय कॉस 60 कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या होगा? रूट 3 होगा। और टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90 बेसिकली 1 बाय 0 दैट इज इंफिनिटी। इस तरीके से टेबल होता है। इस टेबल में कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, बेसिक अप्रोच होती है, बेसिक चीज होती है, बहुत ही मजे का टेबल है। अगर आपको आपको इनवर्स की वैल्यूज भी चाहिए तो इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई देखो सिंपल, लेट्स सपोज आपको कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 पे वैल्यू चाहिए तो कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 किसके बराबर होता है? 45 डिग्री के बराबर होता है। साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। कॉस इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। टेंजेंट इनवर्स रूट 3 डिवाइड टेंजेंट इनवर्स रूट 3 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। टेंजेंट इनवर्स इनफिनिटी किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको पढ़ते कैसे पढ़ना सिखा रहा हूं। साइन इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स रूट 3 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है। कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। और पढ़ते कैसे? तो पढ़ने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि लेट्स सपोज साइन 30 किसके बराबर है? हाफ के बराबर है। साइन 60 किसके बराबर है? रूट 3 बाय 2 के बराबर है। टेंजेंट 45 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। टेंजेंट 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो टेबल आपको याद होना चाहिए। इस टेबल में कोई रट्टा नहीं है, बेसिक इतनी मजे की शॉर्ट ट्रिक है कि सिंपल पहले आप साइन लिखो, आपने 5 प्रिंसिपल एंगल्स लिखे, सबके नीचे आपने रूट रखा, सबके नीचे 4 रखा, फिर सीक्वेंस में 0 1 2 3 4 रख दिया, आपके पास आंसर आ जाएंगे साइन के सारे। कॉस में अपोजिट हो जाते हैं और टेंजेंट में साइन बाय कॉस करके आंसर आ रहे होते हैं। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसी के ऊपर आज के लेक्चर को एंड करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पूरा क्लियर होगा इंशाल्लाह। और जो भी आपको मसले मसाइल होंगे आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। जजाक अल्लाह। थैंक यू।